तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं केडीपी बुक कैसे रिसर्च करती हूँ। ऑब्वियसली मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है अपने चैनल पे, लेकिन आई जस्ट वांट टू पुट गुड वीडियोस ऑन माय चैनल। कुछ भी जो चीज़ें वर्क कर रही हैं वही चीज़ें अपन को आगे लेके आनी है, बतानी है। सो दैट्स वाई ये वीडियो जो है मैं शूट कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे रिसर्च करते हैं अपन नए बुक्स के बारे में जो कि काम कर रहे हैं अभी, एंड हाउ यू कैन मेक बेटर बुक्स फ्रॉम देम। हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस चैनल में बात करती हूँ मैं केडीपी के बारे में, जो कि एक पैसिव इनकम स्ट्रीम है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लर्न करने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए। और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएटेड। तो वीडियोस थोड़ा आने में लेट हो रहे हैं क्योंकि घर पे फंक्शंस चल रहे हैं और भी थोड़ी पर्सनल लाइफ बिजी हो जाती है इंसान की, तो ऑब्वियसली, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जब भी मेरे वीडियोस आएँ क्वालिटी वीडियोस आएँ, तो इसलिए मैं अपना टाइम लेती हूँ और हमेशा जो वीडियोस जो आता है वो क्वालिटी वीडियोस ही आता है। तो आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो जिस मैंने आपको बता दी है, अब कितने स्टेप्स हैं क्या है ये मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला जो स्टेप है, पहला जो रिसर्च मेथड मेरा वो है, स्ट्रेटजी है, वो ये है कि सीधे मैं जो है वो amazon.com पे जाती हूँ और वहाँ पे सबसे पहले मैं सर्च करती हूँ जो भी नीश पे मुझे काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फूड कलरिंग बुक देखना है तो अगर मैं फूड कलरिंग बुक देख रही हूँ यहाँ पे तो 3000 रिजल्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा 1000 टारगेट करती हूँ, लेकिन दैट्स फाइन, हमको इससे मतलब नहीं है। अभी हमको स्क्रॉल डाउन करना है और हमको जाना है न्यू रिलीजेस के अंदर। न्यू रिलीजेस के अंदर लास्ट 30 डेज, आप लास्ट 90 डेज भी देख सकते हो, पर मैं लास्ट 30 डेज पे फोकस करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को मिले 564 सर्च रिजल्ट, विच इज़ गुड। अब यहाँ पे हमको देखना है अपना DS Amazon क्विक व्यू, ये जो है एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हमको देखना है इसके BSRs। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूट एंड सिली फूड कलरिंग बुक जो है टॉडलर्स के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ 64041 इसका BSR है और ये 30 डेज पहले रिलीज हुआ है, दैट मीन्स कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इस नीश पे जो है फोकस करेंगे, सिली फूड कलरिंग बुक, ठीक है जी। तो आप ये सिली फूड कलरिंग बुक जो टेक्स्ट है आप कॉपी करेंगे, अमेजोन में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि कितने बुक्स अवेलेबल हैं इस नीश में, क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें कैसे वेरिफिकेशन करते हैं हम, कैसे वेरीफाई करते हैं चीज़ों को, ये चीज़ मैं लगता है मुझे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बस मैं मेन पॉइंट इस वीडियो में बताऊँगी। सिमिलरली आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल और कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं जो कि जिसकी BSR 3 लाख या 3 लाख से कम हो। तो अभी अपने को एक मिला था सिली वाला, अभी अपने को और कुछ नहीं मिला है, हाँ दिस वन। तो आप ये भी जाके चेक कर सकते हैं, स्वीट ट्रीट्स, कवाई स्वीट ट्रीट्स, आप ये भी जाके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे भी आप देखिए कैट्स एंड टैकोज इन स्पेस कलरिंग बुक, तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं बिकॉज इसकी रैंकिंग भी अच्छी है और ये डिफरेंट है। सिमिलरली क्यूट लकी कैट्स, ये भी कवाई कलरिंग बुक है, तो आप इसके भी ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नए रिलीजियस बुक्स हैं वो कौन से परफॉर्म कर रहे हैं। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको बस एक इंस्पिरेशन लेना है, एक आइडिया लेना है और फिर आपको अपना जो है क्रिएटिविटी यूज़ करना है और आपको अपना वर्जन बनाना है बुक का, राइट। सो ये पहला मेथड था जो कि मैं यूज़ करती हूँ बुक्स रिसर्च करने के लिए। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं तो चलते हैं अमेजोन के अंदर और चलते हैं बेस्ट सेलर के अंदर, राइट। बेस्ट सेलर के अंदर आप जाएंगे तो आप जाएंगे यहाँ पे कैटेगरीज जो है उसके अंदर आप मूव करेंगे बुक्स के अंदर, ठीक है। अब बुक्स के अंदर मूव करने के बाद जैसे कि चिल्ड्रंस बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं चिल्ड्रंस बुक्स के अंदर जा रही हूँ और यहाँ पर जैसे एक्टिविटीज़, क्राफ्ट्स एंड गेम्स हो गए, अगर मैं इसके अंदर जाती हूँ तो अगर मैं एक्टिविटी बुक्स के अंदर जा रही हूँ और उसके भी अंदर अगर मैं कलरिंग बुक्स के अंदर जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे बहुत सारे केडीपी लो कंटेंट बुक्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन,
ये बेस्ट सेलर है, दैट मीन्स कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, सेल इसके अच्छे हो रहे हैं, तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, राइट? जैसे ये भी है एक क्रिएटिव कलरिंग बुक, तो आप इसको पढ़िए कि इसमें क्या है और उस अकॉर्डिंग आप अच्छा वर्जन बनाने की कोशिश करिए, इससे भी अच्छा, राइट? सिमिलरली जैसे यहाँ पे यूनिकॉर्न कलरिंग बुक है, यहाँ पे थोड़ा सेल्फ स्टीम वाला मामला है, तो आप इस पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आई एम कॉन्फिडेंट ब्रेव एंड ब्यूटीफुल है, तो आप कुछ और कोट यूज करिए सेल्फ स्टीम के ही अंदर और उसके अलग कैटेगरी का बुक बनाइए, राइट? आप इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप इसको कॉपी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आप बाकी बुक्स को भी देख सकते हैं बेस्ट सेलिंग, और उससे इंस्पिरेशन लेके आप बेटर बुक बनाइए, ठीक है? तो ये सेकंड स्ट्रैटेजी था जो मैं यूज करती हूँ। अब थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो एवरग्रीन बुक्स बनाते हैं केडीबी के अंदर, कुछ लोग जो हैं वो सीजनल बुक बनाते हैं। अब एवरग्रीन और सीजनल का डिफरेंस आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं फिर से बता देती हूँ। एवरग्रीन का मतलब बुक्स होते हैं जो कि 12 मास बिकते हैं, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कलरिंग बुक हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी की मैं बात कर लेती हूँ, लर्न टू राइट वर्क बुक हो गया, या फिर मान लीजिए कोई वेट लॉस लॉग बुक हो गया, तो ये सब क्या है, ये हमेशा बिकता है। लेकिन क्रिसमस कलरिंग बुक हो गया, ये कब बिकेगा, ये दिसंबर नवंबर के महीने में बिकेगा, तो ये सीजनल बुक हो गया। तो सीजनल एक पर्टिकुलर सीजन के लिए आता है, राइट? अब ये चीज़ समझ गए आप। अब इसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, एक वेबसाइट यूज़ करती हूँ जिसको बोलते हैं nationaltoday.com। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हॉलीडेज आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलीजियस टर्म में देखें और जून के महीने में आप देखना चाहते हैं या जुलाई के महीने में देखना चाहते हैं और उस अकॉर्डिंग आप अपने बुक्स बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करके चीज़ों को, और आप देख सकते हैं क्या हॉलीडेज है, फिर उसको आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे अमेजोन के अंदर। अगर वैसा कोई हॉलीडे एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप पहले होंगे जो इस टाइप के हॉलीडे पे बुक बना रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि अगर आप पहले हैं दैट मीन्स कि आप डिफरेंट है, आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बिकने की, ठीक है? ये मेरा आजमाया हुआ चीज़ है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन अब मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं, तो आप ऑब्वियसली आप कर लेंगे। तो ये था अपना थर्ड स्ट्रैटेजी जो कि यूज़ करती हूँ मैं रिसर्च करने के लिए बुक्स ऑन KDP, राइट? अब फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो वो है हीलियम ब्लैक बॉक्स। हीलियम ब्लैक बॉक्स कैटेगरी और स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी बात करी हुई है, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और आप उस वीडियो को देखिए, तो आप समझेंगे कि वहाँ से अपन कैसे रिसर्च करते हैं, ठीक है जी? अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है जो मैं यूज़ करती हूँ उसको बोलते हैं हम गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स बहुत ही उम्दा मैं बोलूँगी वे है देखने का कि क्या ट्रेंड कर रहा है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सप्लोर पे बटन पे जाती हूँ और मेरे को देखना है कि यहाँ पे कलरिंग बुक में क्या आजकल बिक रहा है, ठीक है? सॉरी, तो अगर मैं कलरिंग बुक में गई, मैंने वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ग्राफ अपना सही चल रहा है, मतलब डिमांड तो है। अब अपन आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड कहाँ है, US में, जो कि हमारा मेन टारगेट है, राइट, बेचने का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो फ्रेंड्स कलरिंग बुक, ये कुछ ट्रेंड कर रहा है। आप इसका पहले, इसको सर्च करने से पहले आप इसका ट्रेडमार्क वगैरह चेक कर लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। तो रेनबो फ्रेंड्स क्या होता है मुझे नहीं पता, आप जाइए आप इसका ट्रेडमार्क चेक करिए, उसके बाद आप जाइए अमेज़ॉन पे देखिए कि ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो बिंगो, आप पहले होंगे जो इस टाइप का बुक कुछ बनाएंगे और जो कि ट्रेंड भी कर रहा है, ठीक है जी? मतलब प्रायोरिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है आपके बिकने की बुक्स। सिमिलरली आप ये सब नहीं बना सकते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स, बिकॉज ये ऑब्वियसली ट्रेडमार्क है। आप डिज्नी भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये ट्रेडमार्क है। लव स्पेक्ट्रा मुझे पता नहीं, शायद नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडमार्क चेक कर लीजिएगा। अल्फ़ाबेट लोअर कलरिंग बुक, ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सब तो आप अपने खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर जैसे क्राई ब्रेवी कलरिंग बुक है, तो जैसे आप इस टाइप का बुक भी सर्च कर सकते हैं इसके रिलेटेड। ऑब्वियसली ये आप कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ये
आई गेस किसी का कॉपीराइट है यहाँ पे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बच्चों के बुक्स में आप क्या बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि क्राई बेबी है तो आप भी क्राई बेबी ही बनाएंगे, आप कुछ और बनाइए रिलेटेड टू बेबी विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द अमेजॉन मार्केट। ठीक है, सिमिलरली आप इसको और एक्सप्लोर करेंगे अपने हिसाब से, और यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे होकस पोकस कलरिंग बुक्स, ये शायद ट्रेडमार्क नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसका सर रिजल्ट क्या है, क्या डिमांड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस अकॉर्डिंग आप बुक्स बना सकते हैं। सिमिलरली वेडनेसडे कलरिंग बुक, ये मैंने पहले नहीं सुना था। वेडनेसडे अगर कोई पिक्चर का नाम है और वो ट्रेडमार्क है तो आप मत बनाइएगा। ओवरऑल मैं एक आइडिया देना चाह रही थी कि आप क्या कर सकते हैं गूगल ट्रेंड्स के अंदर, और आप कैसे अपने बुक्स को डिफरेंट बना सकते हैं और स्टैंड आउट कर सकते हैं इन द अमेजोन मार्केट प्लेस। तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको एक आइडिया मिला होगा ओवरऑल कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल हमारा छोटा है लेकिन काम की चीज़ें यहाँ डिस्कस होती हैं, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।